हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम लोग एयर डिशर्स, एयर से पुश निकलना का ऊपर में डेमो करने जा रही। ये स्पेशली रूरल एरियाज में ज़्यादा होता है, गांव में, बस्ती में, क्योंकि वो लोग जाने अनजाने में बच्चा लोग का कान में पानी गिरने देता है या दूध गिरने देता है तो इन्फेक्शन होके पुश निकलता है। तो उसका आसान रेमेडीज मैं आज डेमो करने जा रही हूँ। ये तो बहुत साल से हम लोग करके आया है और ये वेरी इफेक्टिव है। इसके लिए हम लोग 6 आइटम का ज़रूरी है और एक नोसेल ड्रॉप होगा, ये 7 आइटम। तो उसके लिए ये काला तुलसी, हाँ, एडल्ट के लिए एक मुट्ठी और माइनर के लिए उसे थोड़ा कम से 5-6 ग्राम वेट हिसाब से, या तो इतना अंदाज से लेके उसको या हम ऐसा काट, ऐसा काट के उसमें लगा दो। और रेड जिंजर तो हिसाब से इतना अपना अंदाज से लगाना पड़ता है। रेड जिंजर मान लो ये हम लोग ये माइनर के लिए बना रहा है तो ये इतना। और इसके बाद कोफ्ती सीसा, मिर्ची मिर्चीता, जहाँ में मिर्ची मिर्चीता नहीं है उधर में नीम का थोड़ा सा जोड़ लेने से भी होगा। इतना बराबर, इतना, उसको ज़्यादा नहीं लेना है, इतना इतना साइज का लेके यहाँ में डालो। इसके बाद लहसुन, गार्लिक को 5-6 क्लॉप लेना है, 5-6 क्लॉप लेके यहाँ डालो। इसके बाद ड्राम से सजना का छिलका इतना लेके, हम लोग कतावला है उसको काट के यहाँ में डालो। और नमक, लास्ट में नमक, कॉमन सॉल्ट व सॉल्टी होना है, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा ओवर भी नहीं, हिसाब से लगा के उसको कूटना पड़ेगा। उसको जितना अच्छा से कूट के, मैंने कूट के यहाँ में डाला, उसको हम बोल किया है इसे पानी ऑप्टिमम, पानी जो मिक्सर का जस्ट लेवल में पानी होना पड़ेगा, अच्छा से बॉयल करना है। 2-3 मिनट अच्छे से या 5 मिनट तक भी बॉयल कर सकता है। बॉयल करके उसको पानी को गरम गरम में निकालना है, ऐसा उसको निकाल के बच्चा लोग को जहाँ में इफेक्टेड कान में 5-6 ड्रॉप डालना है। एडल को तो 10 ड्रॉप तक डाल सकता है इफेक्टेड एरिया में, मॉर्निंग इवनिंग। गर्म बर्दाश्त गर्म में होना पड़ेगा, गर्म गर्म में डालना पड़ेगा, ठंडा में नहीं डालता है। और बच्चों को 5-6 ड्रॉप, एडल्ट को 8-10 ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, बिफोर फूड या आफ्टर फूड भी हो सकता है, लेकिन इन द मॉर्निंग एक टाइम, इवनिंग एक टाइम। अगर दवाई इफेक्टिव होगा तो वो कान में डिस्चार्ज तो निकलते जाएगा और ज़्यादा और निकलेगा। जब तक निकल के खत्म नहीं होता है तब तक डालते रहो। एक बार ये बनाए 1 वीक के लिए चलेगा, ये हम लोग एक बार बनाए ये 1 वीक तक के लिए चलेगा। जब लगाया तब गर्म करके लगाना पड़ेगा। तो इसके बाद मेडिकेशन समय में उसे पीना भी है, जो कान में डाला वाला ये डिकॉक्शन को बच्चों को 2-3 स्पून फुल मॉर्निंग इवनिंग साथ साथ में देना पड़ेगा। और एडल को मॉर्निंग को आधा गिलास, इवनिंग को आधा गिलास वो पीते जाना है। और उसके बाद ड्यूरिंग दैट टाइम, माने उस समय में नोसेल ड्रॉप भी जरूरी है, ये ल्यूकास एस्पेरा, ये वाला पहले भी दिखा चुका है ना, इसको हम लोग ऐसा कूट के रखा है, कूट के रख के यहाँ में ऐसा स्विंग करना है, हाँ, स्विंग करके बच्चों को 2 ड्रॉप्स या 1-2 ड्रॉप्स नाक में नोसेल ट्रीटमेंट शाम को करना है। और जब तक इसको काटा है तब तक नोसेल ट्रीटमेंट भी चालू रहो। और एडल्ट लोग को या 3 ड्रॉप या 3 ड्रॉप दिन में 1 टाइम, वो भी इवनिंग का समय में। तो जब इसको करने के समय में क्या नहीं खाना है, वो पोर्क नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, बनाना नहीं खाना, पशु याम नहीं खाना, ब्रिंजल नहीं खाना और तीतागुटी बरावला नहीं खाना। और क्या खाना है, बाकी लहसुन अदरक प्याज खाते रहो और खट्टा चीज खाओ और चना मटर बादाम नारियल तो खाएगा। बाकी तो सब जो हम लोग का ओनियन मरसा बोलता है, मेजेंगा जिंजिन सब्जी जो खाने में दांत में या जीभ में लगता है, जैसे कि जंतु जलम रेसा, ये सब चीज अच्छा से खाना है। बच्चा अगर फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग है तो माँ को खाना पड़ता है। माइनर होने से भी जो खाना खाता है वो लोग का फूड रेस्ट्रिक्शन थोड़ा माँ बाप ख्याल करना पड़ेगा। वो ड्यूरिंग दैट टाइम क्या खाना है नहीं खाना है वो जानने से बीमार जो ठीक हो जाता है। नहीं तो बच्चा लोग एडल्ट होकर कान कम सुनने लगता है, बहरा होने लगता है। इसीलिए सक्सेस स्टोर तो है, बहुत है बस्ती में, लेकिन बस्ती का लोग तो यहाँ आके वीडियो नहीं देता है। तो हम लोग का ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, बहुत साल से ये करके आया है हम लोग, बहुत इफेक्टिव है। ये आज का वीडियो में इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर में डेमो करूँगा। आजकल बहुत प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो रहा है, इवन यंग लोग का भी प्रोस्टेट हो रहा है, एडल्ट का भी हो रहा है। इसके लिए थैंक यू सो मच।